हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश। आप देख रहे हैं स्टडी विद आकाश। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में तीन रूल्स पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। विथ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं एल्कोहल का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एल्कोहल का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हां जी, आपने सही सुना, एल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जो कि प्रिंसिपल चेन से अटैच होता है विद द फ्री वैलेंसी के साथ अटैच होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास ये फ्री वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन से जाके वो ऑक्सीजन की वजह से वो जाके प्रिंसिपल चेन में अटैच हो जाता है कहीं पे भी, ठीक है। और इसका IUPAC कैसे करते हैं, एल्क लगाते हैं प्लस प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, जो भी आपका हो, एन, इन, आइन, जो भी हो, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल का क्या लगाते हैं, ऑल। अरे ऐसे याद कर लीजिए ना, एल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, एल्कोहल ऑल, ठीक है, ऑल हो गया इसका सेकेंडरी सफिक्स। और जनरल नेम क्या होता है, जब जनरल नेम करते हैं तो एल्किल प्लस एल्कोहल कर देते हैं, एल्किल को हम लोग R से डिनोट करते हैं और एल्कोहल को OH से डिनोट करते हैं, एल्किल का नाम लिख देते हैं प्लस एल्कोहल लिख देते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, CH3OH एक कार्बन है, तो मेथेन वन ऑल, प्रिंसिपल चेन तो यही होगी ना, तो फिर मेथेन वन ऑल, और इसके नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, ये इसका जनरल नेम कैसे, एल्किल, तो मिथाइल एल्कोहल, तो एल्कोहल लिख दिया, मिथाइल एल्कोहल हो गया। और इसको याद करने वाली चीज इसमें ये है कि मेथेन वन ऑल मेथिल एल्कोहल को हम लोग और क्या कहते हैं, उड स्प्रिट, उड नेफ्था कार्बेनॉल, उड स्प्रिट, उड नेफ्था कार्बेनॉल, इसको रट लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH, 1, 2 दो कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिल गई, दो कार्बन है, एथेनॉल या फिर एथेन वन ऑल, इथाइल एल्कोहल, और इसको हम लोग कहते हैं ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल रट लीजिए, ड्रिंकिंग एल्कोहल यही होता है जो सभी लोग पौआ मारते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी को बताइएगा नहीं कि आप ग्रेन एल्कोहल पी रहे हैं, ये तो बहुत पिटाई जाएगी। ये देखिए, एथिल एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप लोग देखिए, CH3CHOH, फिर CH से ही CH3 जुड़ा हुआ है, देखिए से सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन वन कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो सेकेंडरी कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन टू ऑल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, टू नंबर से जुड़ा हुआ है तो टू, ऑल से ऑल, टू नंबर पे ऑल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्यों कहते हैं, तीन कार्बन होते हैं, सेकेंडरी कार्बन से जब कोई और ग्रुप अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इस तीन कार्बन को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल, जब ये सेकेंडरी कार्बन से कहीं पे भी जुड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। और चूंकि ये ऑल जुड़ा है, OH जुड़ा है, तो एल्कोहल लिख दिया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये था आपका एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और सपोर्ट करो अपने भाई को, ताकि हम लोग केमिस्ट्री में कुछ चमत्कार कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।